जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहसिन अल शिफा वेटरनरी क्लिनिक डरांवाले तो अज असी आए हैं एक केस से, तुहानू भी दिखाने हैं कि केस आ की मसला वा, सारा कुछ असी तुहानू दसदे हैं कि इहदा हल कीता गया, वह भी तुहानू दिखावांगे। उस तो पहले साडे चैनल नू लाइक कर लो, सबसक्राइब कर लो, तो ताकि नवी वीडियो तुहाडे तक आंदी रहे। पूरी मालूमात लैंदे आ, जानकारी लैंदे आ मझ दे हवाले नाल की मसला बनिया, कदों दा बनिया। जी भाई जन, की नाम अपना? मोहम्मद ईशान। केड़ा चक आ इह? 561 ईबी। 561 ईबी जिला केड़ा? जिला विहाड़ी। 561 ईबी जिला विहाड़ी दे विच मौजूद आ। मज दा मसला वा जी, कदों दा मसला बनिया, कद की होया, सारी गल दसो जरा। इधर रात दा मसला बनिया, इन्हें टुकड़े खोल के दो बाल्टी टुकड़े खा लिया, टुकड़े तकरीबन 8-10 किलो। 8-10 किलो टुकड़े खा लिया। अच्छा, अपनी कोशिश की गई है लेकिन कोई खातर खवा जिहड़ा है मसला हल नहीं होया। इसे तरह मझ खुली खा गई है, पिछले दिन की गल है, दो दिन पहले। ऐ मझ है जी, दोबारा तुहानू दिखा रहे हैं, मझ बेचारी फुली हुई है और जड़ी बड़ी ज्यादा परेशान है। ओनू मैं फड़ के खड़ा होया वा, तो मझ का जड़ा है असी हुण कोशिश करते हैं, पहले नंबर से मैदा वाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आओ तुहानू दिखाने मैदा जानवर का किदा वाश किया जाता, तो उहदा तरीकाकार हुंदा की है। लो जी, एपरन पा लिया है, जानवर का जड़ा मूँह आ वह फड़न वास्ते दो बंदिआं नूं कहा वा, मोहरा जानवर नूं असी पा लिया वा, तो माउथ गैग जड़ा है वह असी होल्ड ऑन भी किया होया वा। लो जी, ऐ देखो जी, जानवर का मूँह उत्ते नूं कर रहे हैं, वो मूँह दे विच माउथ गैग जड़ा है वो ऐड कर रहे हैं ताकि जानवर का मूँह खोलने दे विच आसानी रहे। बंदे मूँह खोलते उस टाइम जानवर बंद कर जाता है। तो लो जी, माउथ गैग यूज करद हो जानवर का मूँह खोलिया जा रहा। हुण इहदे विच लो जी पाइप, स्टमक ट्यूब जिहनूं कहिंदे हैगे आ, वह असी गुजार रहे हैं। स्टमक ट्यूब पास करके डायरैक्ट मैदे दे विच पास की जाती है ताकि जड़ा है वा मैदे का कंटेंट जिहड़ा खाधा पीता अंदर ज़्यादा चला गया वा उहनूं बाहर कढ़ दिता जाए। दो ही तरीके हो सकते हैं, या जानवर नूं मोशन लग जाण जां उहनूं उल्टी कराई जाए। किसी तरीके उस जानवर के विचों जो तक आप कंटेंट नहीं कढ़ांगे जानवर बड़ा परेशान रहेगा, बहुत ज़्यादा तंग रहेगा। स्टमक ट्यूब पास करने तो बाद जड़ा माउथ गैग है उन्हें उतार लिया गया वा, एसोफेगस खुराक वाली नाली के चला गया पाइप और उन्होंने जड़ा है पुश किया जा रहा वा। जानवर बहुत ज़्यादा तंग हो रहा वा, अक्सर औकात इस तरह हो जाती हैगी है। हाँ जी, स्टमक ट्यूब जी है पास कर ली गई है और जानवर के मूँह नूं असी थले कराण लगे हाँ। बड़िया अहम अहम गल्लां, तुसी पूरे पूरी वीडियो नाल जुड़े रहो, तुहानू पता लगेगा की होया की होया सारा कुछ। ये देखो, जानवर के मूँह दे विच असी लै के गए, उन दे विच असी जिहड़ा प्रैशर ऐड किया वाटर पंप के जरिए, प्रैशर जिहड़ा ऐड किया जाता, तो प्रैशर के नाल ही फिर वापस जिहड़ा है कॉन्टेंट आ रहा होंदा वा। तो यह तरीकाकार होंदा जानवर नूं दा मैदा वाश करन वास्ते, तरीकाकार यह इस्तेमाल किया जाता। लो जी, इहदे लई असीं कोशिश कर रहे हैं लेकिन वापस कोई खास ज़्यादा जिहड़ा है कॉन्टेंट नहीं आ पा रहा। यह देखो, दोबारा दोबारा कोशिश कर रहे, थोड़ा बहुत कॉन्टेंट, बहुत थोड़ा जिहा कॉन्टेंट आया है जानवर का। असी दोबारा प्रैशर दिता ते लेकिन जड़ा है मैदा वाश नहीं हो पाया। जानवर जड़ा है सी वो पहले तो ज़्यादा तकलीफ दे अमल से चला गया, क्योंकि जानवर दे अंदर
कंटेंट बोला सख्त सी, अफारा उन्होंने हो गया बहुत ज़्यादा सख्त सी। फिर असी फौरी तौर पर स्टैप लिया, जानवर का ऑपरेशन किया गया, मेदे का ऑपरेशन, जे असी ना करते जेकर जानवर की जान को ना बचाया जा सकता। फौरी तौर पर जानवर के असी ऑपरेशन डिसाइड किया, ऑपरेशन किया, वक्खी तो ऑपरेशन किया जाता है, तो यह ऑपरेशन मैं कर रहा वा। उनके मटीरियल जड़ा है वा जड़ा मेदे का उन्होंने डल्यूट करने वास्ते वो डायरैक्टली प्रैशर दिता जा रहा है। देखो इन्ना सख्त प्या सी अंदर, उस तरह ही चारा जहा तो पानी खट्टा जो रोटियां दे करके बन जाता है वो पिया सी। तो यह देखो पाइप के जरिए दोबारा दोबारा उन्हें अंदर ऐड किया जा रहा। लो जी हुण तुहाडे सामने एक ऐसी चीज़ आन लगी आ जिहड़ी अपने आप च बड़ी वड्डी बड़ी आला चीज़ आ। लो जी छापर, जानवर ने जिहड़े छापर वगैरह खाधे सी वह भी असी काफ़ी सारे जड़े है सी विचों कढ़े हैगे। लो जी छापर विचों कढ़ा गया, फिर उस तो बाद मेदे नूं साइड तो चलाने की कोशिश की जा रही है, साइड तो ही पाइप लगा के प्रैशर दिता गया और जानवर का मेदा उतों की चला रहे हैं। यह देखो जी उतों की चलिया काफ़ी सारा। एक होर चीज़ ए बड़ी अहम चीज़ सी सारे नालों अहम चीज़, जानवर ने कुछ दिन पहले इन्हों पौना ही ना लभा, पौना कहिंदे साडा रोटियां वाला गवाच गया सी, वह पौना असी जनाब कढ़ के दिता जिद्दण ऑपरेशन किया। डायरैक्टली जिहड़ा है मेदे दे विचों असी कंटेंट कढ़ रहे हैं, मेदा वाश कर रहे हैं साइड तो, उस तरीकेकार ही किया जाता। पाइप जिहड़ा है मेदे दे विच लगा दिता जाता, उन्हें प्रैशर दिता जाता, वापस जिहड़ा है कंटेंट आने लग पैंदा। देखो एक होर छापर आ गया जी, तो काफ़ी सारे छापर जिहड़े है सी जिहड़े जानवर ने खाधे हुए सी, कोई रोटियां च आ गए। यह देखो वो पेट के जो चीज़ा कड़ियाँ कढ़ने तो बाद जानवर के टांके लगा दिए गए, मेदे नूं अलहदा तो टांके लगते आ, मसल्स नूं अलहदा तो लगते आ, स्किन नूं अलहदा तो लगते आ। देखो जी तकरीबन प्रोसीजर जिहड़ा है तुहानूं कंप्लीट विखाया की किया गया जानवर नूं, जानवर की जान नूं बचाण दे हवाले नाल हर मुमकिन कोशिश जिहड़ी है वह की गई है। वो टांके लगा दिए गए, उस तों बाद एंटीबायोटिक स्प्रे जिहड़ी है वह कर दी गई, उस तो फौरन बाद इहदा इलाज शुरू किया गया। जानवर के 14-15 लीटर फ्लूइड थैरेपी जिहड़ी की असी बोतलां लगाइया, विच टॉनिक्स ऐड किए, विच एंटासिड ऐड किए, ठीक है। तो वो जानवर के जिहड़ा फ्लूइड थैरेपी की ताकि जिहड़ा उहदा ब्लड का टॉक्सन आ वह डल्यूट हो सके। यह जानवर नूं बाहर लिया वा, उन्हें खुरली ते आके खिलार दिता हैगा, कपड़ा वो उत्ते रख्या होया वा ताकि भी जड़ा मक्खी मुक्खी घट बैठे। यह जगह देखो जितों ऑपरेशन किया गया, जानवर माशाला बड़ा बेहतरीन आ, हल्के जे पट्ठे वो अगे किए थे, हल्के हल्के पट्ठे भी खाण लग पिया वा। लो जी हुण मालक दी जबानी अगली कहानी। हाँ जी सलाम अलैकुम, असी जानवर ने रोटियां खा लिया सी, उहदा मेदा वाश करन की कोशिश की, जड़ा नहीं हो सकता सी, नहीं हो सकिया, इहदा ऑपरेशन करना पिया। इस जगह तो असी ऑपरेशन किया ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਆ 2-3 ਦਿਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਤਮਿਨ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। लो जी सारी वीडियो तुसी देखी, ताड़ा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं तुहानू वीडियो बड़ी चंगी लगी होगी। आने वाली नवी वीडियो वास्ते साडे बैल आइकॉन नू क्लिक कर दिओ ताकि नवी वीडियो ताड़े कोल आउंदी रहे, ते आउंदी वीडियो वास्ते फिर अल्लाह हाफिज़।